फ्रेंड्स वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज हम करने लगे हैं चेक पॉइंट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। पहले मैंने 5 से लेकर जो 1 से लेकर 5 तक थे वो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दिए, आप वहां पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। सो आज हम 6th क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं एंड इस एक्सरसाइज को आज हम कम्प्लीट कर देंगे जो कि है आपकी चेक पॉइंट नंबर 1। सो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आपसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, क्लासीफाई एज स्केयर्स ऑफ ऑड और इवन नंबर, कि ये किस नंबर की स्केयर है, ऑड नंबर की या इवन नंबर की। ऑड इवन एक बार बता देता हूँ, वैसे तो सभी को पता होना चाहिए, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल के ऊपर नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इवन कौन से होते हैं जो 2 के टेबल के ऊपर आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, बस ये वाले, ये ऑड इवन। ये वाले क्या हो गए ऑड और ये क्या हो गए इवन। बेसिक चीज़ है ये, हमें शुरू से ही कराते जा रहे हैं। सो इसके बाद में आपने एक टेबल बनाना है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है मगर मैंने ये बना लिया है। मैंने ये इसलिए बनाया, आपने तो अपनी नोटबुक के ऊपर ही बनाना है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहीं से देख कर मैं आप सभी को करा दूँगा ये दिखाकर। सो 0, 0, 1 और 9, 1, 2 और 8। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि नंबर अगर करेंगे उसकी वंस प्लेस में अगर ज़ीरो है, सो स्केयर में की वंस प्लेस में क्या होगा, ज़ीरो। जैसे 20 को 20 की स्केयर करते 400, सो लास्ट में ज़ीरो आ गया। 1 की स्केयर कर लो 1 ही आ जाएगा, 9 की स्केयर 81 आएगा, 81 के लास्ट में 1 आएगा। 2 और 8 4, 3 और 7 9, 4 और 6 6, 5 और 5 5 तो 5 ही होगा। तो चलिए अब 324, सो देखा जाए तो 324 ये आ चुका है 4। अब 4 का क्या हो सकता है, 2 और 8, सो क्या आएगा यहाँ पे, इवन। ये दोनों ही इवन है, बी पार्ट करते हैं इसके साथ में ही, 289। सो 289, अब इसका क्या आ सकता है, 1 और 9, दोनों ही ऑड है, सो क्या आएगा ऑड, सी पार्ट 169। ये भी इसकी जैसे हो जाएगा, ये आप एक बार अपने आप करके देख लो, मैं आपको टाइम देता हूँ, पॉज कर लो वीडियो को। चलिए अब मैं कर दिखाता हूँ इसे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी ऑड आ जाएगा, डी पार्ट 625। सो ये आ चुका है 5, क्या आएगा 5, ये भी क्या आ जाएगा ऑड। सो ऑनली फर्स्ट ही इवन है और तीनों ऑड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमने स्केयर फाइंड करने हैं फॉलोइंग नंबर्स की। सो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये रेशनल नंबर्स हैं सारे, सो इनकी स्केयर करने मैंने आप सभी को सिखाई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से मैंने आप सभी को अकेली अकेली चीज़ समझाई हुई है। यहाँ पर मैं आप सभी को ऊपर ऊपर से वो क्वेश्चन करा देता हूँ। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं ए पार्ट 5/3 की स्केयर करनी है। सो 5/3 की स्केयर है अभी, सो ये क्या हो जाएगा, 5/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 के साथ, कितना आ जाएगा, 5 को 5 के साथ क्या 25, 3 को 3 के साथ क्या 9। सो ये आ चुका है, बी पार्ट करते हैं ऐसे ही, क्या है -2/3 की स्केयर। सो ये क्या होगा, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। सो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी माइनस वाले नंबर की स्केयर होते हैं या पावर जो हो आपकी वो इवन हो, सो क्या होगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। पिछले चैप्टर में बताया था, इस चैप्टर में बता रहा हूँ। सो 2 को 2 के साथ क्या 4, 3 को 3 के साथ क्या 9, 4/9 आ चुका है। सो देखिए 4/-5 की स्केयर सबसे पहले, सो 4/-5 मल्टीप्लाई 4/-5, सो 4 4 16, -5 × -5 25, क्योंकि माइनस माइनस कट हो गया। सो यहाँ पे तो पहले ही माइनस माइनस कट कर दो। 7/8 की स्केयर करनी है, 7/8 × 7/8 कितना आ जाएगा, 7 × 7 49, 8 × 8 64, ये आ चुका है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद स्मॉलेस्ट मेंबर एज 6। मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि 2n² + 1 और n² - 1, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप सभी को बताए थे कि ये होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स। ये आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छी तरह से आप सभी को ये सबको समझाया हुआ है।
बेसिक से छोटी चीज़ से। सो देखिए स्मॉलेस्ट मेंबर से 2n होगा और ग्रेटेस्ट नंबर n स्क्वायर प्लस 1 होगा ग्रेटेस्ट मेंबर। सो दोनों क्वेश्चन में 8th और 9th में हमारे ये दोनों ही काम आएंगे। तीसरा वाला बीच का होता है, सो इसका कोई काम ज़्यादा होता नहीं है राइट आपके लिए तो 8th क्लास में। तो राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट विद स्मॉलेस्ट मेंबर है 6। सो 6 स्मॉलेस्ट मेंबर है, सो देखिए 2n इज इक्वल टू 6 क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मेंबर के इक्वल था। सो जब आप 2n इज इक्वल टू 6 होगा, सो 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, n इज इक्वल टू 6 ओवर 2 कितना आ जाएगा 3, n क्या आ चुका है 3। अब n स्क्वायर प्लस 1 भी हमने पता करना है और n स्क्वायर माइनस 1 भी। सो n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 3 की स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी आ जाएगा 10। एन स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 की स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 में से माइनस किया 1 कितना आ जाएगा 8। सो आपका जो ट्रिपलेट है वो क्या हो चुका है, एक 6 तो स्मॉलेस्ट मेंबर था, उसके बाद में बीच वाला ये 8 और लास्ट में 10, 6 8 10, ये आ चुका है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन में एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है जिसका ग्रेटेस्ट मेंबर है 5। सो 5 ग्रेटेस्ट मेंबर जिसका हो, ग्रेटेस्ट मेंबर का मतलब क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 1 5 के इक्वल होगा। सो ग्रेटेस्ट मेंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 यानी आ जाएगा 5 के इक्वल। सो एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब ये जो प्लस 1 है दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी आ जाएगा 4। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब किस नंबर की स्क्वायर 4 होती है, सो वो नंबर है 2। सो एन क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हमने पता क्या करना है, एक एन स्क्वायर माइनस 1 और एक पता करना है 2n। सो एन स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 2 की स्क्वायर माइनस 1 यानी आ जाएगा 4 की 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। सो एक नंबर आ चुका है 3। अब 2n कितना हो जाएगा 2 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, सो 4 आ जाएगा। सो हमारा क्या हो चुका है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आ चुका है 3, 4, 5। सो आ चुका है। सो चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। फ्रेंड्स ये है 10th क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, आंसर अभी हमने करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गिव रीजन। रीजन दे दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। सो लाइन मैं आप सभी के सामने बोलता हूँ, नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 4, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर, यहाँ पे जीरोस पे ई एस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब मैं आप सभी को ये समझा भी देता हूँ। सो कहा क्या गया है यहाँ पे कि जो नंबर 2 से एंड करते हैं, 3 से एंड करते हैं, 7 से एंड करते हैं, 8 से, जैसे यहाँ पे 7 से एंड करता है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जो ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि जैसे 1000 हो गया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो मगर 100 है इस पे इवन नंबर ऑफ जीरोस है, सो ये हो सकता है, पक्का नहीं है कि ये है मगर ये हो सकता है। सो ए जो है पार्ट वो होता है 7 से एंड, सो ये आएगा। बी है वो होता है 3 से एंड, सो ये आएगा। और डी है जो वो होता है 2 से एंड, सो ये भी आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सी ही बचा है और इसका भी हमें पक्का बता रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मगर हो जरूर सकता है, जो पक्के ही नहीं है वो हमने बताना है। सो सी को छोड़कर और सभी आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे ही लिख दिया। आप अकेले अकेले का भी रीज़न दे सकते थे, ए का यही रीज़न दे दिया, बी का यही रीज़न दे दिया, डी का यही रीज़न दे दिया, सी को लिख दिया यस, बस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बस ये लिख दिया। मगर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेथड, सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स।